हाय गाइस, सैटरडे मॉर्निंग सुबह के 6:30 बज रहे हैं और हम लोग उठे हैं 5 बजे सुबह के। इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कि पूरी गर्मी से ना मेरी स्किन बहुत ज़्यादा साइन कर रही है पसीने की वजह से। और मतलब मैं क्या बताऊँ, कल से बिल्कुल हवा बंद और कहीं भी खड़ा नहीं रहा जा रहा है। फ़ैन का हवा, कूलर का हवा, बिल्कुल पूरा गर्म। और बारिश की तो नामो निशान नहीं है, पता नहीं कब होगी बारिश। व्लॉग की स्टार्टिंग में मौसम की जानकारी देना तो जैसे कंपलसरी हो गया है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि गर्मी और उमस इतनी ज़्यादा है ना कि पूरा बॉडी मतलब पसीने से लथपथ हो रहा है। यहाँ पे ना बाहर फिश आया था तो अमित वहाँ पे फिश ले रहे थे और मैंने शुरू कर दिया यहाँ पे घर की सारे क्लीनिंग, डस्टिंग, ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले तो अपना बेड बनाऊँगी, और ये जो बेडशीट है ना कल रात को ही बिछाया था तो आज इसको चेंज नहीं करूँगी। बट अभी गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि हर 1 से 2 दिन में ही चेंज करती रहती हूँ, और बच्चे भी खेलते रहते हैं इसके ऊपर तो काफ़ी गंदी भी हो जाती है ये। एंड जो पिलो कवर्स है वो भी हर 3-4 दिन में मैं चेंज करती रहते उसको। और अभी जो करंट सिचुएशन है ना, जब मैं इस वीडियो को वॉइस ओवर कर रही हूँ, मेरा कूलर ख़राब हो गया है और इतनी ज़्यादा गर्मी, मतलब वैसे तो अभी मॉनसून स्टार्ट हो ही गए हैं ऑलमोस्ट, बट फिर भी क्या होता ना कि जब बच्चों को सुलाने के लिए जाती हूँ ना 10, 10:30, 9:30 बजे, उस टाइम पर हद से ज़्यादा गर्मी रहती है। तो थोड़ा कूलर की ठंडी ठंडी हवा आती है ना तो बच्चे भी ईजिली कम्फर्टेबल होकर सो जाते हैं। एंड अभी देखती हूँ, उसको भी मुझे ठीक करवाना ही पड़ेगा। आज सैटरडे है तो ईशान का स्कूल छुट्टी है, वो उठते ही अपने दोस्तों के साथ खेलने चला गया है बाहर। उसने अभी तक ब्रश भी नहीं किया है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा अपना बेड वगैरह बना लेती हूँ, क्लीनिंग डस्टिंग ये सारे काम करती रहूँगी, बट उसके पहले उसको पहले ब्रश वगैरह करा लेती हूँ। तो जैसे उसको मैंने बोला ब्रश करने के लिए, वो डायरेक्टली जाके नहा के ही निकला बाथरूम से। तो मैंने कहा कि चलो एक चीज़ तो ठीक है, नहा लिया, बट क्या होता ना इतनी जल्दी बच्चे नहाते हैं फिर उनका तो मतलब भागदौड़ लगा ही रहता है, तो 12-1 बजे तक ना फिर से नहाने की ज़िद करता है। ईशान की एक आदत अभी क्या है पता है, वो ना खुद से नहाने की ज़िद करता है। तो अभी ऑलमोस्ट मतलब मैं बताऊँ ना 1 महीने से खुद ही नहा रहा है वो, बट लास्ट में थोड़ा सा टचअप करना पड़ता है क्योंकि कभी कभार थोड़े साबुन वगैरह लगे ही रहते हैं जहाँ तक उसके हाथ नहीं जाते हैं। यहाँ पे सारी जो चादर वगैरह है उसको मैं फोल्ड करके अभी रख रही हूँ। एक चादर ना हमेशा बेड के पास लेके रखती हूँ कि अगर रात को ठंडी लगी तो बच्चों को भी काम आएगा और मुझे भी। मेरा आदत है ना कि ठंडी हो चाहे गर्मी हो, एक पतली सी चादर मुझे कंफर्टेबल फील करवाती है, तो वो हमेशा मेरे साथ ही रहता है। मेरे बेडरूम को ऑर्गेनाइज़ करने के बाद बहुत सारे कपड़े भी थे जिसको फोल्ड करने के बाद अभी मैं इस वाले बेडरूम पे आ गई हूँ। यहाँ पे वैसे कोई नहीं रहता है, बट मेरे इन लॉज दोपहर को यहाँ पे रेस्ट करते हैं, रात को वो लोग चले जाते हैं गांव वाले घर में क्योंकि दादू दीदा वहाँ पे रहते हैं इस वजह से। तो यहाँ पे थोड़ा चादर वगैरह चेंज यहाँ पे ना बहुत जल्दी जल्दी नहीं करती हूँ क्योंकि कोई यहाँ पे सोता भी नहीं है और बच्चे भी यहाँ पे क्योंकि इस रूम में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है ना तो बच्चे भी यहाँ पे ज़्यादा नहीं आते हैं, इसीलिए इस रूम में 10 दिन में चादर और पिलो कवर्स चेंज करती हूँ। ईशान घर पर रहता है ना तो उसके फ्रेंड्स भी आते हैं और कियान को भी अच्छा लगता है खेलना, वरना जब वो अकेले रहता है ना तो बहुत परेशान करता है, मतलब उसको समझ में नहीं आता कि क्या करूँ मैं, तो इसलिए थोड़ा बहुत सा फ़ोन भी देख लेता है। और इसको ना फ़ोन में भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, टीवी में तो बिल्कुल भी नहीं है, ईशान को भी इस एज में नहीं था, बट फिर भी वो थोड़ा बहुत सा देख लेता था, बट उसको नहीं है ये सारी चीज़ें में इंटरेस्ट, तो बहुत परेशान करता है वो, तो उसके साथ काम करना थोड़ा डिफ़िकल्टी है। यहाँ पर मैंने आपको किचन दिखाया ना, पूरा मैसी होकर रखा था तो सोचा कि पहले अपना बालों को कॉम कर लूँ अच्छे से और उसके बाद में किचन वगैरह क्लीन करूँगी एंड उसके बाद शावर लेके पूजा करना है।
गर्मियाँ मेरी हो गई हैं, अभी मैं कपड़ों को लेके बाहर आई हूँ सुखाने के लिए और हवा इतनी ज़्यादा तेज़ है ना, अगर क्लिप लगाना भूल जाऊँ ना तो सारे कपड़े फिर से मैले हो जाते हैं, वापस से इन्हें वॉश करना पड़ता है। इसके बाद मैं जाऊँगी घर और सबके लिए ब्रेकफास्ट का कुछ ना कुछ प्रिपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि ना अभी ज़्यादा टाइम वैसे नहीं हुआ था, 9 बज रहा था। मैं सुबह जल्दी नहा के पूजा कर लेती हूँ तो मेरा मन भी काफ़ी ज़्यादा मुझे शांति मिलती है उस चीज़ से। एंड ये देखो अभी बाहर कपड़े लगा के आई हूँ सूखने के लिए और अभी बारिश का भी मौसम बनने लगा है। यहाँ पर ना सबका ब्रेकफास्ट हो गया है, ईशान तो ऑलरेडी नहा लिया था और अभी मैं उसको होमवर्क करवा रही हूँ। वीक डेज में तो वो स्कूल में रहता है बट मैं ट्राई करती हूँ कि वीकेंड में उसको सुबह नहलाने के बाद ना थोड़ा सा पढ़ाई कराऊँ, और मैं मोस्टली जब उसको सुबह को पढ़ाने के लिए बैठाती हूँ ना तो उसको रिवीजन करवाती हूँ, जो भी सारी पढ़ाई उसके स्कूल में और ट्यूशन में हुए होते हैं, एंड उसको रीडिंग करवाती हूँ और टेबल उसको ज़रूर हर दिन में एक बार लर्न कराती हूँ। फल इधर उधर मत रख। पढ़ाई के टाइम पे कियान काफ़ी डिस्टर्ब करता है ईशान को, उसके सारी कॉपीज़ वगैरह ले लेता है, तो मैं साइड में उसको एक कॉपी और पेंसिल क्रियॉन्स दे के बैठाती हूँ, तो जब तक बैठता है तब तक ठीक है, बाकी अगर अमित फ्री रहता है तो वो फिर वो संभालते हैं, नहीं तो मैं क्या करती हूँ ना वो जो कर रहा है उसको करने देती हूँ। ऑब्वियसली मेरे काफ़ी सारे काम भी बढ़ा देता है बट अभी क्या कर सकते हैं, इसी तरह से हैंडल करना पड़ता है दोनों को। तो चलो इसी के साथ इस छोटे से ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया है तो लाइक बटन जरूर हिट करना, और अगर आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो आप मेरे बाकी के वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो, साथ ही साथ आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको मिल जाएगा सारे वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जल्दी ही मिलेंगे किसी नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।